नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो आज हम बना रहे हैं तंदूरी ब्रोकली, और इसके लिए हम सबसे पहले ब्रोकली के फ्लोरेट्स काट देंगे। सो ये देखिए, यहाँ से आपने इसके स्टेम काटने हैं और इस तरह के बड़े बड़े फ्लावर्स आपने ब्रोकली के निकाल लेने हैं। सो ये ब्रोकली के फ्लावर्स मैंने काट लिए हैं और इनको अब हमने ब्लांच करना है। सो ब्रोकली के लिए जो पानी लिया है उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, और जब पानी इस तरह से बॉईल होने लगे तब हमने इसमें ब्रोकली डालनी है, और एग्जैक्टली एक मिनट में आपने ब्रोकली को निकाल लेना है। और स्ट्रेट अवे ये ब्रोकली जाएगी एक ठंडे पानी के बोल के अंदर, ताकि इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। तो ये ब्रोकली हमारी ब्लांच होके बिल्कुल रेडी है, और इसको रखते हैं अब साइड में। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रोकली के लिए मैरिनेशन बनाना। सो यहाँ पे मैंने 3 स्लाइसेस अमूल चीज़ के लिए है, और इन्हें मैं एक बोल में डालूंगा और इनको अच्छे से मैश करके इनको थोड़ा सा क्रीम करूंगा। तो चीज़ को हम इस तरह से मैश करके सॉफ्ट कर लेंगे अच्छे से। सो देखिए, यहाँ पे जो ये चीज़ है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, क्रीमी हो गया है। तो क्रीम करने का मतलब यही है कि इसको बिल्कुल हमने क्रीम की तरह सॉफ्ट कर देना है, क्रीमी कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हंकड़, 2-3 टेबलस्पून है ये, कुटी हुई काली मिर्च लगभग आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच, और एक नींबू का जूस। सो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे और एक मैरिनेशन इससे हम बना लेंगे। सो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में हम इसमें सॉल्ट भी चेक कर लेंगे, और सॉल्ट हम लास्ट में ही एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारी अमूल चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट है। तो यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से नमक भी एडजस्ट कर लेंगे। सो ये हमारी ब्रोकली के लिए मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। सो अब हमने इस मैरिनेशन में मिक्स करनी है अपनी ब्लांच की हुई ब्रोकली। तो ब्रोकली को मैरिनेशन में मिलाने से पहले इसको हल्का सा आपने स्क्वीज करना है, बिल्कुल हल्का सा, इसमें थोड़ा सा पानी निकलेगा, और उसके बाद इसको मैरिनेशन में मिक्स करना है। तो ये पानी निकालना ज़रूरी है, अगर ये पानी मैरिनेशन में आ गया तो मैरिनेशन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, और फिर पकते समय पूरा मैरिनेशन गिर जाएगा और ब्रोकली से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। सो हल्के हाथों से आपने ब्रोकली को थोड़ा सा निचोड़ लेना है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और अब ब्रोकली को हम मैरिनेशन के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। सो ये ब्रोकली हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, तो चलिए अब इसे एक सीक में लगा लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये सीक ली है, ये बेसिकली ओटीजी के अंदर जो रोटेसर फंक्शन होता है उसके लिए यूज़ होती है। सो इसी सीक में मैं ये ब्रोकली लगा रहा हूँ। ये जो सीक है थोड़ी सी मोटी है, तो हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और आपके पास जो भी बिल्कुल पतली सीक अवेलेबल हो वही आप लें। तो ये अवन वाली सीक में ब्रोकली लग चुकी है, और इसे तो मैं अवन में पकाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है पकाने का। तो आपने इस तरह की कोई भी पतली सीक लेनी है, और इस पे भी हम ब्रोकली लगा लेंगे, और इसको पकाएंगे हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर। सो ये पतली सीक के ऊपर भी मैंने ब्रोकली को लगा चुका है, और इसको अब हम पकाएंगे फ्लेम के ऊपर, यानी कि गैस बर्नर की फ्लेम के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, गैस फ्लेम ऑन करनी है, और ये जो सीक है इसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखना है। तो ब्रोकली आपकी ऑलरेडी पकी हुई है, जस्ट आपको मैरिनेशन को एक बहुत अच्छा सा कलर देना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का कलर जैसे ही आपकी ब्रोकली में आता है आपकी तंदूरी ब्रोकली बिल्कुल रेडी है। अब दूसरा जो तरीका है तंदूरी ब्रोकली बनाने का, उसके लिए मैं इस ओटीजी ओवन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ओवन को प्री हीट कर लूंगा, और इसके मैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ, 230 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम टेम्परेचर है। सो इसको मैं रख रहा हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर पे, और इसको मैं पहले प्री हीट कर लूंगा। सो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये इसकी जो रोटरी वाला फंक्शन होता है जो चिकन को ग्रिल करने के लिए यूज होता है इस ओटीजी ओवन में, उसमें मैंने ये ब्रोकली को लगाया है। सो ब्रोकली अच्छे से रोटेट हो जाए इसके लिए मैंने इसमें टोंग्स भी लगा लिए हैं जो चिकन को होल्ड करने के लिए लगते हैं, और हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी ब्रोकली को ओवन में लगा लेते हैं। सो ये मेरी जो तंदूरी ब्रोकली है ये रेडी होनी स्टार्ट हो गई है। सो दोस्तों लगभग 8-10 मिनट हो चुका है, और शायद हमारी ब्रोकली बिल्कुल रेडी है। तो चलिए ओवन खोल के एक बार देखते हैं।
ये ब्रोकली में एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और शायद हमारी ब्रोकली बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको फटाफट से निकालते हैं हम ओवन से बाहर। सो अभी ट्राई कीजिए ये रेसिपी और बताइए मुझे कैसी लगी आपको, और हम मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।